व्यूअर्स, ये मूवी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड एक शॉर्ट फिल्म है। मूवी का स्टार्ट हमें कुछ कैरेक्टर बताने से होता है, जिनमें सबसे पहले विनय है जो कि सिविल की तैयारी कर रहा है। नंबर टू पे सुभाष है जो शॉर्ट फिल्म मेकर होता है। फिर राहुल जो कि एक टीनेज लड़का है और प्लेबॉय भी। प्रदीप जो कि एक कैब ड्राइवर है। नवीन जो एक स्कूल टीचर है। और लास्ट में शेखर जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ये सब लड़के एक ही फ्लैट में रहते हैं। अब होता ये है कि राहुल रूम में बैठा होता है, तभी वहाँ प्रदीप आ जाता है। राहुल उसे टेंशन में देख के वजह जानने की कोशिश करता है, जिसपे प्रदीप उसे कहता है कि वो उसे सबके साथ बताएगा। प्रदीप राहुल को लेकर सबके पास चला जाता है, जहाँ वो सब लड़के शराब पी रहे होते हैं। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि प्रदीप को बहुत ज़्यादा शराब पीते देख के सब उसके परेशान होने लग जाते हैं और वजह पूछते हैं, जिसपे प्रदीप बताता है कि उसने आज अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ जाते देखा है, जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट और अपसेट है। प्रदीप बताता है कि उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही है। उसी दौरान नवीन सबको बताता है कि उसे भी प्यार में धोखा हुआ था, जिसकी वजह से आज तक दिल टूटा हुआ है। नवीन ये भी बताता है कि जब तक उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती, उसके घर वाले उसकी शादी नहीं करेंगे। ये सब लोग नशे की हालत में एक दूसरे को अपने दुख बता रहे होते हैं और इसी कॉन्वर्जेशन के दौरान सब लड़कियों के बारे में गलत इमेज बना लेते हैं। प्रदीप नशे और जज्बात में आके कहता है कि वो आज ही किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। प्रदीप कहता है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। हम देखते हैं कि विनय भी नशे की हालत में कहता है कि वो प्रदीप के साथ है और ये सब और ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। मगर हम देखते हैं कि सुभाष जो कि शॉर्ट फिल्म मेकर है, वो इनकी बातों से अग्री नहीं कर रहा होता और वो ड्रिंक भी नहीं करता, बस सिगरेट पी रहा होता है। सीन्स बदल के एक रोड पे आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि प्रदीप, राहुल, विनय, नवीन और शेखर एक रोड पे जा रहे हैं और वहां वो एक लड़की को देखते हैं। ये सब मिलके उस लड़की को जबरदस्ती उठा के अपने फ्लैट में ले आते हैं। व्यूअर्स, ये सब अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए एक एक करके लड़की का रेप करते हैं, उसका बुरा हाल कर देते हैं। इवन राहुल जो कि टीनेज लड़का होता है, वो भी। अगली सुबह विनय न्यूज़पेपर देख रहा होता है, जिसमें वो देखता है कि रात को एक लड़की का रेप हुआ है और पुलिस के पास उसकी सीसीटीवी फुटेज है और अब पुलिस वाले उन क्रिमिनल्स को ढूंढ रहे हैं। ये न्यूज़ देख के विनय बहुत परेशान हो जाता है और बाकी सबको नींद से जगाता है। व्यूअर्स, ये न्यूज़ देख के ये सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि विनय जो सिविल्स के लिए तैयारी कर रहा है, वो दूसरे कमरे में जाके सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन सुभाष उसे आके रोक देता है। अब वो सोच ही रहे होते हैं कि क्या करें, तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनने को मिलता है। ये आवाज़ सुन के वो बहुत परेशान हो जाते हैं और अचानक फ्लैट का दरवाज़ा बजने की आवाज़ आती है। इन सबको लगता है कि पुलिस आ गई है, जिसपे सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इन सबको ये भी लगता है कि अब उनमें से कोई नहीं बच पाएगा और सब जेल जाएंगे। व्यूअर्स, सुभाष जाकर दरवाज़ा खोलता है और एक मिनट के लिए शॉक में आ जाता है। दरवाजे पर पुलिस नहीं बल्कि वो लड़की होती है, जिसका रेप उन पांचों ने कल रात किया होता है। सुभाष उस लड़की को अंदर ले आता है, जिसे देख के पांचों रेपिस्ट बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और उन्हें रात के इंसिडेंट के फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं। ये सब हैरान होते हैं कि सुभाष बारी बारी सबको डांटता है और उनकी गंदी हरकत का एहसास दिलाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की दरअसल एक प्रोस्टिट्यूट है, जिसे कल रात सुभाष ने वहाँ बुलाया था। रात को उन सब की हालत देख के सुभाष बहुत परेशान हो गया था, मगर उस वक्त अगर वो उन्हें समझाने की कोशिश करता तो कोई फायदा नहीं होता, इसलिए उसने सोचा कि वो उन सबको सबक सिखाए। सुभाष प्रदीप से कहता है कि उसे मूव ऑन करना चाहिए, ना कि अपने साथ कुछ गलत होने का बदला किसी और की ज़िंदगी ख़राब करके लेना चाहिए। वो विनय जो सिविल की तैयारी कर रहा होता है, उसे कहता है कि अगर कल इनका मुल्क उसके हाथों में आ गया तो इस मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि सुभाष इन सबको अपनी गलती का एहसास दिला के सीधे रास्ते पे लाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ वो उस प्रोस्टिट्यूट के साथ बैठा बातें कर रहा होता है, जो उसे बताती है कि अपनी नीड्स की वजह से इस काम में आई है। वो बताती है कि उसके बाप की डेथ के बाद अपनी और अपने राहुल इतने भाई की स्टडीज और अपने मास्टर्स के एक्सपेंसेस उठाने के लिए वो ये सब करती है। वो लड़की कहती है कि कोई भी लड़की खुशी से ये काम नहीं करती और रोज़ जब उन्हें अजीब अजीब मर्दों से मिलना पड़ता है, ये चीज़ उनके लिए मौत से भी ज़्यादा हॉरिफाइंग होती है। वो मजीद कहती है
कि लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई है कि कल उसके वहाँ होने से एक लड़की की इज्जत और जान बच गई। व्यूअर्स, ये सब बातें सुनने के बाद सुभाष उस लड़की की और भी इज्जत करना शुरू हो जाता है और यहीं ये शॉर्ट फिल्म ख़त्म हो जाती है। व्यूअर्स, इस शॉर्ट फिल्म से हमें ये लेसन मिलता है कि लड़कों को हर लड़की की इज्जत करनी चाहिए और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी लड़की की इज्जत और जान के साथ नहीं खेलना चाहिए। प्रोस्टिट्यूशन की तरफ लड़कियाँ शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में जाती हैं और एज अ ह्यूमन हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें ताकि कभी किसी लड़की को अपनी मजबूरी की वजह से किसी की हवस का निशाना ना बनना पड़े। लड़कों को भी चाहिए कि अपने मैनहुड और अपनी स्ट्रेंथ को कभी भी किसी लड़की को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल ना करें बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए इस्तेमाल करें।